आज हम प्रतिशत परसेंटेज को समझेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 5 गणित की गिनतारा पुस्तक, उसका ये पाठ 11 प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत यानी कि प्रति प्लस शर्त सत अर्थात प्रत्येक 100 में से, यानी कि अगर कहीं 100 यानी अगर हम इसे भिन्न की तरह लें तो किसी भी चीज के किसी भी वस्तु के 100 टुकड़े किए जाएं, उसमें से कितने टुकड़े प्रदर्शित किए जा रहे वो है प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पर 100 टुकड़े किए गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच टुकड़े प्रदर्शित किए गए तो हो गया 5%, 6 टुकड़े तो 6%। तो इस तरह यहाँ पीला खाना कुल खानों का कितना भाग है? पीला खाना सिर्फ एक भाग है तो ये हो गया 1%। 3 2 5 तो ये हो गया 5%। लाल खाने 5%। दूसरी बात ध्यान दीजिए, कोई भी भिन्न होती, देखिए प्रतिशत भिन्न और दशमलव एक ही परिवार के सदस्य हैं। किस तरह? देखिए प्रतिशत को भी हम इस तरह भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी कि जितना भी प्रतिशत होता बटे 100, और ये होता अंश, नीचे होता हर। इसका अर्थ है किसी चीज़ के 100 टुकड़े किए गए, उसमें से कितने चीज कितने टुकड़े प्रदर्शित किए जा रहे। अब देखिए एक चित्र नीचे है, यहाँ पर 100 टुकड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर 5 15 टुकड़े प्रदर्शित किए जा रहे तो ये हो गया 15%। यहाँ पर देखिए 24 खाने 24 टुकड़े प्रदर्शित किए जा रहे तो हो गया 24%। अब 100 में से 1, 100 में से 8, 100 में से 25 या 100 में 50, 100 में 100, प्रतिशत प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग, अतः प्रतिशत ऐसी भिन्न है जी जहाँ हर 100 होता तथा अंश 100 में से लिया गया हिस्सा या भाग होता। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा जानेंगे शायद आपने उससे पहले ना पढ़ा हो ना सुना हो। यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ। 100 में से 20 20%, 100 में से 26 26%। इसी तरह प्रतिशत को भिन्न में बदलना जी, अब भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न। अब यहाँ पर 4% यानी कि 4/100, तो इसको हम 4 × 4 4 25 बार काटा तो 1/25 भिन्न बन गई, यानी कि 4% को भिन्न के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। 25% को भिन्न के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि 25/100 यानी 1/4, तो भिन्न में बदलिए तो आप भिन्न में बदल सकते हैं। 5/100 लिख लीजिए, 18/100, 75/100, 50/100 उसको काट दीजिए। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो देखिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे भिन्न 1/4 ली उसको प्रतिशत में बदलना, तो ऊपर भी 100 का गुणा कीजिए नीचे भी 100 का गुणा कीजिए और नीचे वाले 100 को सेफ रखिए, इसको छूना नहीं क्योंकि ये बनेगा हर। अब इस 4 को इस 100 से काट दीजिए तो आया 25 25/100 यानी कि 25%। तो हमने ऊपर भी 25% से 1/4 भिन्न निकाली थी, 1/4 भिन्न से। कभी भी भिन्न से हमें प्रतिशत बनाना हो तो ऊपर नीचे अंश और हर में 100 100 का गुणा कर दीजिए, नीचे वाले 100 को सेफ रखिए और बाकी भिन्न को काट दीजिए, प्रतिशत में बदलो। तो आप इस तरह कर सकते हैं इन सवालों को। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो देखिए 24% यानी 24/100 दशमलव में बदलना, तो दशमलव में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका, आप 100 का इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि 2 बिंदी हैं, 2 अंकों के बाद इधर दशमलव लग गया 2 अंकों से पहले। अगर यहाँ 1000 होता तो 3 अंकों से, चूंकि प्रतिशत की बात चल रही है तो 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा। दशमलव में बदलो। अब 28% 28/100 52% 52/100 तो आप कर दीजिए। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो देखिए कोई भी दशमलव की संख्या, जैसे यहाँ दिया 0.4, अब इसको प्रतिशत में बदलना, तो हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? पहले तो इसे हम भिन्न बनाएं, सही से भिन्न बनाएं। अब देखिए 0.4 एक अंक के बाद दशमलव, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10 यानी कि 4/10। ठीक है, अब हम 4/10 को हम प्रतिशत में बदलना है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको 10 को 100 बना लीजिए, या फिर 4/10 में ऊपर भी 100 का गुणा नीचे भी 100 का गुणा, और 10 से ये 100 कट जाएंगे, 10 2 40 40 40/100 यानी 40%, एक ही बात है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें ऊपर और नीचे अंश और हर में 100 का गुणा करते हैं। किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। अब किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात, कहा गया कि 500 का 15%, देखिए का अर्थ ही होता है गणित में गुणा, तो 500 का 15% यानी कि 500 का गुणे 15/100, और इसे काटने पर 100 पंचे 5 से 5 15 75 आ गया आपका।
15% का अर्थ होता ही है कि 100 में 15, यानी कि 15/100 गुणे 500, यानी ये आपका आ गया, बताया गया था। इसी तरह 600 का 38% निकालिए, 2000 का 18%, तो का मतलब ये होता गुणा 600 गुणे 38/100 कर दीजिए। एक राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना। अब लिखना है 5 में 3 कितने प्रतिशत, 5 में 3, तो 5 नीचे 3 ऊपर, यानी 3/5। अब 3/5 कितने प्रतिशत, तो 3/5 को हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई भिन्न तैयार। अब इसे प्रतिशत के रूप में लिखना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। ये कहा गया 3 को 5 के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 3 को 5 यानी 3/5 को प्रतिशत में बदलना, तो ऊपर भी 100 का गुणा, नीचे भी 100 का गुणा, 100 को सेव कर लेना, ऊपर काट देना, 5 20 60/100 आएगा, यानी कि 60%। 60 को एक तरह 60% नहीं लिख सकते, 60/100 को हम 60% लिख सकते, कोई बात नहीं। प्रश्न है 30 में 24 अंक प्राप्त हुए कितने प्रतिशत, तो 30 में 24 हुए ना, तो टोटल संख्या नीचे लिखते हैं और जितने हैं वो 24 ऊपर। अब इसको प्रतिशत में बदलना, तो ऊपर 100 का गुणा, नीचे 100 का गुणा, और इस तरह कर देंगे, आएगा आपका 80%। शॉर्ट में नहीं चलना है, किसी कक्षा में 40 बच्चे, उनमें यदि उनमें 35% लड़कियां, तो 40 कुल बच्चे हैं और उसका 35% लड़कियां, तो लड़कियां और लड़कों की संख्या बताइए। तो पहले लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे, 40 गुणे 35/100 जो भी आएगा वो 40 से घटा देंगे, तो वो लड़कों की संख्या होगी। या इसका दूसरा तरीका ये भी कि 40 का 35% लड़कियां, तो 40 का 65% लड़के होंगे, उस तरह भी हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक भिन्न भाग का वह रूप है जहां अंश में हर से भाग दिया जाता, ये डायरी में नोट कर लीजिए। दशमलव एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 10 या 10 का गुणांक होता है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। दी गई जी, दशमलव एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 10 होता है, और प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और भिन्न और प्रतिशत में अंतर ज्ञात, अंतर भी पता लग गया। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अब देखिए 35% 35/100 28/100 इस करके भिन्न में, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100/100 इस तरह करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो 42/100 सौ को 100 का भाग देना, भाग नहीं देना है, सिर्फ 2 अंकों इधर दशमलव बढ़ा देना। यहाँ पर 33.6/100 होगा, तो 2 अंक इधर और बढ़ जाएगा, यानी 0.356 हो जाएगा, ठीक है, तो दशमलव में बदल जाएगी। निम्नलिखित सरल करो, तीन देखिए ये मत सोचो कि पहले से ही दशमलव, अब क्या दशमलव नहीं, दशमलव और इधर बढ़ेगा। निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो, ठीक है, और यहाँ प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, पहले तो इसको भिन्न बना लो, और भिन्न बनाने के लिए यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो 1000, फिर 100/100, यहाँ 68.68, तो यहाँ 68/100 कर सकते हैं, और 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हर 100, अगर हर 100 पहले से ही है तो 100 का नहीं करना, क्योंकि 68% वैसे भी ये हो गया। इसी तरह करना है, कक्षा में 35 में से 24 विद्यालय आए कितने प्रतिशत आए, तो 35 नीचे 24 ऊपर, और उसका प्रतिशत निकाल लेना है। एक गांव की जनसंख्या इतनी, उसमें 48 स्त्रियां 52 पुरुष, तो स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या बताइए, तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल अलग निकाल देना है। तो इस तरह विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, इतने बच्चे दिव्यांग, कुल बच्चे शामिल बच्चों की संख्या 15 है, तो कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिशत भाग लिया, तो 15 का 20% निकाल देना। तो ये था आपका पाठ, अगला पाठ है लाभ और हानि। चैनल से जुड़े रहें और बहुत कुछ सीखेंगे, अलग तरह के सीखेंगे, नए ढंग से सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाभ हानि पाठ 12।